नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी वृषभ राशि वाले दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। वृषभ राशि, वक्त कभी ठहरता नहीं है, वक्त कभी रुकता नहीं है, और वक्त हमें अनेक खुशियाँ देता है तो उसके साथ साथ कुछ गम और परेशानियाँ भी देता है, दुख भी देता है। ये अटल सत्य है। भगवान श्री राम को भी दुख भोगना पड़ा था, बड़े बड़े महापुरुषों को भी दुख भोगना पड़ा था। तो ग्रहों का खेल ऐसे ही रहता है, सुख और दुख एक साथ चलते हैं, लेकिन दुखों को कम करने के लिए कुछ उपाय हैं, कुछ सावधानियां हैं, वो आप यदि करते हैं तो दुखों को समाप्त या बहुत कम किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पता होना चाहिए कि कब क्या दुख आने वाला है। तो इस वीडियो में ये सभी जानकारियां आपको मिलने वाली है। परेशानियां हमेशा अचानक से आती हैं, क्योंकि हम सुख में इतना खोए होते हैं कि परेशानियों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है और हमें संभलने का मौका नहीं देती हैं परेशानियां। और जब हम संभल नहीं पाते हैं तो हम अपना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, और जब नुकसान होता है तब हमें पता चलता है कि दुख भी आते हैं, सुख के साथ दुख भी आते हैं। और अक्सर हम सुख में इतने खो जाते हैं कि ये सोचते ही नहीं है कि दुख नाम की भी कोई चीज है। जैसे हर इंसान, मैं हूं या आप हूं, एक चीज भुला कर बैठा है, वो है मृत्यु, जो कि एक सत्य है। अपनी दुनिया में खोया पड़ा है, एक मृत्यु एक सत्य है, उसको भुला कर बैठा हुआ है। हर इंसान को पता है कि पाप करना, चोरी करना, धोखा देना बुरा कर्म है, लेकिन आप में से या मुझ में से कितने लोग इस पे अमल कर पाते हैं ये आप स्वयं जानते हैं। तो हमको सब कुछ पता है कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है, लेकिन हम सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, और जो लोग करते हैं वो लोग बहुत सुखी भी रहते हैं। हमेशा हमें ये दिक्कत परेशानी रहती है कि सुख आने वाले हों या दुख आने वाले हों तो हमें पहले से पता नहीं होता है। तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, काश पहले से किसी ने बता दिया होता तो हम सावधान हो गए होते, काश पहले किसी ने बता दिया होता तो हम इस मौके का फायदा उठा लेते। ये काश शब्द जो है आपके जीवन में ना रहे, आपको कोई दुख परेशानी ना रहे, इसके लिए यह वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, जो अच्छे ग्रह हैं वही बुरे ग्रह हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति के लिए अच्छे हो सकते हैं और किसी व्यक्ति के लिए बुरे हो सकते हैं। तो कोई नए ग्रह नहीं आएंगे जो अच्छे और बुरे हो जाएंगे, इन्हीं ग्रहों में से अच्छे और बुरे होंगे, इन्हीं ग्रहों के संयोग अच्छे और बुरे बनते रहेंगे। तो हमें संभलना है, बचना है और बिल्कुल हिम्मत से काम लेना है। बहुत सारी वीडियोज हमने डाली जिसमें शुभ संकेत हैं, जिसमें शुभ मौके हैं, और भी बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया बताया गया है। तो ऐसा नहीं है कि उनका फल आपको नहीं मिलेगा, उनका फल भी मिलेगा, लेकिन इन अशुभ तारीखों को और इन अशुभ योगों से मुक्ति पाने के बाद, बस इतना समझ लीजिए। और घबराइए और डरिए बिल्कुल नहीं, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। और यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित है, और अगस्त 2019 में किस प्रकार से आपके ऊपर कुछ बुरे संकट या बुरे योगों का प्रभाव हो सकता है, जिससे हमें बचना है और बचकर आगे बढ़ते चले जाना है। डरना और घबराना बिल्कुल नहीं है, जितना डरेंगे उतना ज्यादा परेशान होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अष्टम भाव में केतु और शनि का एक साथ होना शापित दोष का निर्माण करता है, और आपकी दोस्ती बुरे लोगों से हो सकती है। इस समय अंतराल में आप बहुत लालची हो सकते हैं, आप अपने बने बनाए काम में खुद ही कोई ना कोई दिक्कत परेशानी पैदा कर सकते हैं। आप किसी ऐसे मित्र से मित्रता कर सकते हैं, किसी अनजान व्यक्ति से मित्रता कर सकते हैं जहां पर आपको धोखा मिले। शुरुआत में वो मित्रता बहुत अच्छी लगे, लेकिन अंत में धोखाधड़ी हो सकती है, तो सावधानियां रखनी होगी। जानबूझकर आप किसी को सता सकते हैं, जानबूझकर आप किसी को परेशान कर सकते हैं, नौकरी में हो, कार्य क्षेत्र में हो, घर में हो, या बच्चे खेल रहे हो तो अपने मित्रों को। तो ये सारी हरकतें जब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है सामने से भी रिएक्शन आएगा और फिर लड़ाई झगड़ा होगा। आपकी दुर्घटना हो सकती है, आप दूसरों की कमाई से जल सकते हैं,
आपकी दोस्ती टूट सकती है, प्रेम संबंधों में मित्रता में दरार आ सकती है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है, आप पैसों को ठीक प्रकार से खर्च नहीं करेंगे या जोड़ नहीं पाएंगे, इधर उधर फालतू की जगह पे खर्चा कर देंगे, इससे भी आपको थोड़ी दिक्कत परेशानी होगी। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप पैसों के पीछे भागेंगे, आपको पता नहीं रहेगा कि आपको करना क्या है, बस आप भागते रहेंगे और भाग कर थक कर हार कर गिर जाएंगे। तो आपको कुछ उपाय करने होंगे जो वीडियो के अंत में बताऊंगा, ताकि इन सभी छोटी छोटी परेशानियों से आप बच सकें और आपको कोई परेशानी ना हो। तो आपको अब पता चल गया है कि किस प्रकार से ग्रह ऐसा भी कर सकते हैं। थोड़ी सावधानी आपको और रखनी है, सड़क पर या घर के बाहर संभल कर चलना होगा, आपके अंदर आलस बहुत होगा, क्रोध की अधिकता होगी, इनसे भी बचना होगा। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए जो उपाय मैं बताऊंगा बहुत सरल होंगे, घरेलू होंगे, आसानी से हो जाएंगे। बात करते हैं दूसरे अशुभ योग की। इस पूरे महीने आपकी गोचर कुंडली में काल सर्प दोष नामक दोष बनेगा। इस दोष से आप लोग भली भांति परिचित हैं, नाम सुना ही होगा, क्योंकि राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आ रहे हैं। जब चंद्रमा बाहर होंगे तब यह काल सर्प दोष नहीं होगा। काल सर्प दोष चिंता परेशानी दिक्कत देता है। वैसे भारतीय ज्योतिष में सिर्फ सर्प दोष का वर्णन है, काल शब्द को आधुनिक युग में जोड़ दिया गया है। तो काल सर्प दोष भाग्य और उन्नति में विलंब करता है। राहु तृतीय भाव में, केतु अष्टम भाव में होंगे तो कारकोटक नाम का काल सर्प दोष बनेगा। आपको व्यापार जमाने में, नौकरी में, अपनी पद प्रतिष्ठा जमाने में दिक्कत हो सकती है, बाधाएं हो सकती हैं, बीमारी हो सकती है, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो सकता है, या फिर मित्रों द्वारा धोखा हो सकता है, या फिर कोई बड़ी पुरानी बीमारी दोबारा से वापस आ सकती है। आपके भाग्योदय में विलंब हो सकता है, आपके बनते हुए काम देर से बनेंगे, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। और आपको काल सर्प को शांत करने के उपाय भी मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, ताकि आप इन सभी दिक्कतों से बच सकें। नंबर तीन, तीसरा अशुभ योग चंद्रमा 11-12 तारीख को शनि के साथ वृष दोष का निर्माण करके अष्टम भाव में बनाएंगे। आपकी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, दुर्घटना से बचना होगा, कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे ना लें। आपका मन अशांत, जुबान पर क्रोध, चेहरे पर गुस्सा देखा जाएगा। बहुत धीरे धीरे संभल कर इन दो दिनों को आपको बिताना चाहिए। हर काम को करने से पहले सावधानी रखनी चाहिए, छात्रों को मन एकाग्र रखना चाहिए, परीक्षा कंपटीशन है तो बहुत सावधानी से उपाय करके जाएं और शांत रहकर अपनी परीक्षा वगैरह दें। बात करते हैं चौथे अशुभ योग की। तो चौथा अशुभ योग भी आपको चंद्रमा और केतु देने वाले हैं 11 और 12 तारीख को। ग्रहण दोष अष्टम भाव में बनेगा, आपको बहुत संभल कर रहने होगा इन दो तारीखों में, क्योंकि इन्हीं दो तारीखों में विष दोष भी बन रहा है। तो हर फैसले सोच समझ कर लेने होंगे, आपके रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है, रिश्ते संभालने होंगे, परिवार में कलेश हो सकता है, वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है, वाणी में क्रोध, भाग्य का साथ ना मिलना, ये सब कुछ हो सकता है। और जब चीज़ें आपके पक्ष में नहीं होती हैं तो आप इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और बेतहाशा इधर उधर हाथ पैर मारने लगते हैं और हाथ कुछ नहीं लगता है, क्योंकि जल्दबाजी होती है, सोच विचार नहीं होता है, बस उल्टी सीधा काम करते हैं। तो बचना होगा इन सब चीज़ों से भी, उपाय आपको कुछ ही क्षणों में मिल जाएंगे। बात करते हैं अंतिम और पांचवें अशुभ संकेत की, जो आपको 26 से 27 अगस्त को मिलेगा धन भाव में, यानी द्वितीय भाव में। जब राहु चंद्रमा एक साथ होंगे तो घातक ग्रहण दोष बनेगा। जब भी राहु और चंद्र का ग्रहण दोष बनता है तो ज्यादा अनिष्टकारी दुखदायी होता है। तो आपको धन मान सम्मान की कमी दिलाएगा, सुखों में कमी लेकर आएगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम करेगा, जिस कारण आपके अधिकतर फैसले गलत साबित होंगे और आप समाज में वो पद प्रतिष्ठा काबिलियत होते हुए भी नहीं पा पाएंगे और आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कत परेशानियां दे सकता है छोटी छोटी। तो ये पांच ऐसे अशुभ तारीखें थी, संकेत थे, जहां पर आपको संभल कर रहना होगा। और आप ये नहीं कह सकते कि आपको वक्त से पहले जानकारी नहीं मिली है, आपके पास वक्त से पहले जानकारी है। अब आप उपाय करके, मेहनत करके इनके प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो बात करते हैं उपाय की। तो सबसे पहले आपको महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है, शिव जी का जलाभिषेक करें। नागपंचमी वाले दिन आप जाएं और शिव जी का जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। 5 तारीख को, यानी 5 अगस्त को है आपकी नागपंचमी। इसके अलावा आप शनि देव की आराधना करें,
इसके अलावा हनुमान जी की आराधना करें, राहु केतु के मंत्रों की शांति कराएं। बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है, यदि आपकी लग्न कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है तो काल सर्प का निवारण कराएं। इसके साथ साथ माँ सरस्वती की आराधना करें और अपनी बुद्धि को निर्मल करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का एक माला जप, ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जप, कष्ट ज़्यादा हो परेशानी ज़्यादा हो तो महामृत्युंजय का जप करें। और इसके साथ साथ आप अपने पास अपने घर में मोर पंख भी रख सकते हैं, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ सावधान रहेंगे, बचकर रहेंगे, हनुमान जी की, शिव जी की, माँ सरस्वती की कृपा आप पर बरसती रहेगी और आप लोग इन अशुभ प्रभावों को समाप्त करके अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता पाएंगे। और डरें और घबराएं बिल्कुल नहीं, इनको समाप्त कर लें, उसके आगे सब सुख ही सुख है। हरिओम, नमस्कार।